अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त काशिफ। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप PS3 एमुलेटर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाएं और वहाँ पर टाइप करें डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.5.1। ये जब आप टाइप करेंगे, सर्च मारेंगे, तो ये www.microsoft.com/en_pk/download इस लिंक को ओपन कर लेंगे। ठीक है, इस लिंक को ओपन करने के बाद आप चाहिए कहेगा एक सिलेक्ट लैंग्वेज, तो आप इंग्लिश सेलेक्ट है तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश है, तो आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जहाँ से इंग्लिश पे जैसे डाउनलोड करेंगे, तो मेरे पास ये पहले से डाउनलोड हुआ है, तो मैं इसको दोबारा से डाउनलोड करता हूँ। ये 66 MB का है, ऑटोमेटिकली लिंक आपके पास आ जाएगा, तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने जाना है freefund24.blogspot.com पर और यहाँ पे सर्च बॉक्स पे आपने टाइप करना है PS3 और इंटर मार देना है। बस उसके बाद आपने क्या करना है, PS3 एमुलेटर फ्री डाउनलोड फॉर PC, इसको ओपन कर दें। उसके बाद यहाँ पे जो डाउनलोड नाउ का ये जो पिक्चर नज़र आ रही है, आप इसके ऊपर क्लिक करें और ये PS3 एमुलेटर 1.9.4 इसको डाउनलोड कर लें अपने पास। सही, जब इन दोनों को डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये पासवर्ड ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये वाला पासवर्ड यहाँ से कॉपी करें। जहाँ भी आपने PS3 एमुलेटर डाउनलोड करके रखा है तो वहाँ पर जाएं, उसे एक्स्ट्रा हेयर करें, पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड को यहाँ पर लिख के फिर शो पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड सही नज़र आएगा, फिर ओके कर दें। करेंगे ओके तो ये PS3 एमुलेटर इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब PS3 एमुलेटर 1.9.4 इसको ओपन करें। दिस रनिंग एप्लीकेशन फर्स्ट मस्ट इंस्टॉल वन ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ नेट फ्रेमवर्क। यानी ये कह रहा है कि आपको सबसे पहले नेट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकेंगे। तो आपने क्या करना है, जो मैंने आपको नेट फ्रेमवर्क डाउनलोड करने का कहा था यहाँ से वेबसाइट से, तो वही रहा। इसको डबल क्लिक करके ओपन किया, यस ये हो रहा है। मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, ये हो गया। अब ये माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट आयर ऑप्शन ये ओपन हो रहा है। मैंने इसको इंस्टॉल किया और फिर यस किया, तो थोड़ा सा टाइम लगाता है ओपन होने में। जी ये ओपन होंगे मेरे पास, यहाँ पे लिखा है रीड एंड एक्सेप्ट दिस लाइसेंस टर्म्स, इस पर क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। अब ये इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल हो रहा है आराम से। मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, इंस्टॉल हो जाए तो फिर वापस आते हैं। इसकी याद इसी थोड़ी सी रहेगी, ये भी हो जाए। फ्रेंड ये नेट फ्रेमवर्क 4.5.1 हमारा बैंड इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसे फिनिश करता हूँ और अब मैंने क्या करना है, ये PS3 एमुलेटर में जाना है और उसके बाद मैंने इसे ओपन करना है। अब देखिए जी, PS3 एमुलेटर आसानी से ओपन हो गया। नेस ने मुझे कुछ कहा है, अब ये कह रहा है जी BIOS कमांडिंग मिसिंग टू आउटडेटेड, यू डू यू वांट टू डाउनलोड इट नाउ। मैं कहता हूँ नो, इसको कट कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि ये जो PS3 एमुलेटर है, इसे मैंने यहाँ से कॉपी या कट कर देना है और मैंने माई कंप्यूटर में जाके सी में जाके यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया, अब PS3 एमुलेटर ओपन किया, तो थोड़ा हाईलाइट करते हैं, एक दफ़ा रिफ्रेश, अब ओपन करें। अब देखें जी, बोलेगा BIOS सक्सेसफुली, देखें BIOS लोड इज सक्सेसफुली। तो ये प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर लोगों के, वो PS3 एमुलेटर डाउनलोड करते हैं जी और जी ये नहीं चल रहा जी, तो उसकी ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको जो जगह मिली होती है चलाने की, वो हमसे नहीं देते। जैसे हमने ई में रखा है, ई डी में रखा है, तो इसको सी में रखें तो ये आपके पास चलेगा। अभी मेरे पास यहाँ पे कोई DVD या कोई गेम नहीं है PS3 एमुलेटर की जो मैं डाउनलोड कर सकूँ या प्ले कर सकूँ या कुछ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप अपनी तरफ से कोई भी PS3 एमुलेटर की गेम डाउनलोड करें, बस ये याद रखें कि आपने क्या करना है, नेट फ्रेमवर्क में आपको यहाँ से बैक बता देता हूँ, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.0 पहले नंबर का लिंक, इसको डाउनलोड करने के बाद PS3 एमुलेटर और PS3 एमुलेटर को कॉपी करके सी में, बस इतना काम करना है आपको, आपका PS3 एमुलेटर चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आप मुझे विजिट करें computerstar24.blogspot.com पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।